लोकसभा चुनाव का माहौल है, पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, बाकी 6 चरण की वोटिंग अभी बाकी है। फाइनल नतीजे 4 जून को आने हैं, जिसमें करीब 1.5 महीने का समय बाकी है। लेकिन एक सीट ऐसी है जहां पर पहले ही नतीजे आ गए हैं। ये सीट है गुजरात की सूरत लोकसभा सीट, जहां से बीजेपी को बिना वोट पड़े ही जीत मिल गई है। अब की बार 400 पार का नारा लेकर चल रही बीजेपी का खाता सूरत लोकसभा सीट से खुल गया है। अब काउंटिंग वाले दिन गिनती 0 की बजाय 1 से शुरू होगी। दरअसल सूरत लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया था, पर्चा खारिज हो गया था। इसके बाद इस सीट पर बाकी जो निर्दलीय उम्मीदवार थे उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और अब इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार ने निर्विरोध जीत दर्ज कर ली है। यानी बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल सूरत लोकसभा सीट से निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। उनके सामने इस सीट पर कोई उम्मीदवार नहीं बचा। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने का विरोध किया है। कांग्रेस का कहना है कि उनके प्रस्तावकों का अपहरण कर लिया गया, डराया धमकाया गया। सूरत लोकसभा सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस के नीलेश कुंभानी और बीजेपी के मुकेश दलाल के बीच माना जा रहा था, लेकिन इस बीच कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द हो गया। आज तक की खबर के मुताबिक बीजेपी ने शिकायत की थी कि नीलेश कुंभानी के नामांकन पर जिन प्रस्तावकों का नाम लिखा हुआ है उनके हस्ताक्षर नहीं, यानी जिन प्रस्तावकों ने उनके नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर किया गया उनकी बजाय किसी और से हस्ताक्षर कराए गए, ऐसा शिकायत बीजेपी ने की। बाद में तीनों प्रस्तावकों ने जो जिन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे वे चुनाव अधिकारी को उन्होंने बताया कि नामांकन पर उनके हस्ताक्षर नहीं है। यानी जो बीजेपी की शिकायत थी उस पर जो प्रस्तावक थे उन्होंने भी मुहर लगाई। चुनाव अधिकारी ने कांग्रेस उम्मीदवार को 24 घंटे का समय दिया और कहा कि आप तीनों प्रस्तावकों को लेकर हमारे सामने आइए, लेकिन तीनों प्रस्तावक जो है वो कांग्रेस उम्मीदवार लेकर आने में नाकामयाब रहे, वो प्रस्तावक गायब हो गए, उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। जिसके बाद कांग्रेस उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि उनके प्रस्तावकों का अपहरण कर लिया गया ताकि उनका पर्चा खारिज हो जाए। कांग्रेस उम्मीदवार ने कहा कि पार्टी के नेताओं से बात करके इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि बिना हस्ताक्षर का मिलान किए, चाहे वो सही हो या गलत हो, नामांकन रद्द करना ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कांग्रेस का तर्क है। आगे जो भी होगा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन हम सूरत लोकसभा सीट के बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। सूरत लोकसभा सीट से पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई 5 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। इस सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहां से 35 सालों से बीजेपी उम्मीदवार लगातार जीतते आ रहे हैं। साल 1984 में आखिरी बार कांग्रेस इस सीट से जीती थी। इसके बाद 1989 से लेकर अब तक लगातार बीजेपी सूरत लोकसभा सीट पर चुनाव जीतती आ रही है। पिछले 3 चुनाव में बीजेपी की दर्शना जरदोश सूरत लोकसभा सीट से चुनाव जीती थी। वो केंद्र में कपड़ा और रेलवे की राज्य मंत्री भी थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया और मुकेश दलाल को टिकट दिया, जो मतदान से पहले ही चुनाव जीत गए। मुकेश दलाल को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है गुजरात के सी आर पाटिल उनका करीबी माना जाता है। मुकेश दलाल सूरत नगर निगम के 3 बार पार्षद और 5 बार अस्थायी समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। वे करीब 4 दशक से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे जो भी अपडेट्स होंगे लोकसभा चुनाव से जुड़े हुए लोकमत हिंदी आप तक पहुंचाता रहेगा। देखते रहिए लोकमत हिंदी।